लोग आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके कंप्यूटर चैनल आईटी वर्ल्ड पर। हम टैली के बारे में बातें कर रहे थे और टैली के बारे में सीख रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बजट के बारे में कि हम अपनी कंपनी में बजट कैसे बनाते हैं, उसे टैली में किस प्रकार से बनाया जाएगा, किस प्रकार से मैनेज किया जाएगा, वो हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम बजट बनाते क्यों हैं। किसी भी कंपनी में बजट बनाने का उद्देश्य यह होता है कि हम अपने खर्चों के लिए कोई बजट बनाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि मैं पेट्रोल के लिए बना रहा हूँ, कि मैं पेट्रोल एक्सपेंसेस बना रहा हूँ कि मैं अपने एक साल में पेट्रोल पे जो खर्चा करूँगा वो 20,000 रुपये तक का करूँगा, ऐसा करना चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए बजट बना सकता हूँ जिससे मुझे यह मालूम चल जाएगा कि मेरा खर्चा है वो 20,000 के अंडर में हो रहा है या इसके ऊपर निकल रहा है, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा नहीं हो पाता इसके अंदर कि हम ये मैंने बजट बनाया 20,000 रुपये फिक्स कर दिया तो 20,000 से ऊपर की एंट्री नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो पता है। ये 20,000 से ऊपर की एंट्री ले लेगा, लेकिन हम डिस्प्ले में रिपोर्ट में जाकर देखेंगे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारा जो खर्चा है वो क्या हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे कि अपन पेट्रोल के लिए या किसी और खर्चे के लिए बना सकते हैं, दोनों के लिए, उसी प्रकार से इनकम के लिए भी बना सकते हैं। लेकिन इनकम के लिए बजट नहीं बनाता कोई, तो खर्चों के लिए ही अपन बनाते हैं। और यहाँ पर जो बजट बनाया जाता है उसे बनाने के लिए अपन ग्रुप वाइज लेजर वाइज या कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी वाइज अपन बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टैली ओपन की मैंने, इस टैली में मैंने अपनी कंपनी जो मैंने बनाई थी, बनी नहीं है कोई कंपनी सॉरी, तो मैं इसमें कंपनी बना देता हूँ। मैंने क्रिएट किया इसको और सॉरी कंपनी तो इसमें बनी होगी दोस्तों, मैं एक मिनट में इसका जो एड्रेस है उसे चेंज कर देता हूँ ताकि हमारी कंपनी खुल जाएगी। आप लोग भी देख लीजिए अपन किसी का टैली में जो अपना डाटा सेव होता है एफ ड्राइव में हो रहा था इसमें, उसे चेंज कैसे करते हैं। ये टैली नाम का जो फाइल जो दी हुई है इसमें जहाँ जहाँ एफ बना हुआ है एफ ड्राइव, वहाँ वहाँ पर मैं सी ड्राइव बना दूँगा तो ये सी में चेंज हो जाएगा। तो देखिए टैली ओपन कर रहा हूँ, टैली ओपन की, इसमें मेरी कंपनी बनी हुई है पहले से जिसे मैं ओपन कर लूँगा। ये देखिए आईटी वर्ल्ड के नाम से मैं यहाँ पर पहले F11 दबाऊँगा और यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स में जाकर के बजट एंड कंट्रोल नाम के इस ऑप्शन को यस कर दूँगा, ठीक है। इसे यस करने के बाद मैं अकाउंट इन्फो में जाऊँगा तो यहाँ पर बजट नाम का ऑप्शन शो होने लगेगा। यहाँ क्रिएट करेंगे अपन और मैं बना रहा हूँ वही पेट्रोल जैसा मैंने एग्जांपल दिया पेट्रोल के लिए, बजट फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस। ओके नाम दिया, यहाँ पे अपन प्राइमरी लेंगे और यहाँ डालेंगे अपन कंपनी का जो पीरियड है अपने बजट के लिए, 2 महीने का है, 3 महीने के लिए बना रहे हैं, 4 महीने के लिए बना रहे हैं, क्वार्टर लिए है, हाफ लिए है, जैसा बना रहे हैं अपन बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ 1 साल के लिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2019 तक के लिए मैं बना रहा हूँ। और यहाँ देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, ग्रुप लेजर और कॉस्ट सेंटर। हम जो बजट बनाते हैं वो बजट ग्रुप के लिए, लेजर के लिए और कॉस्ट सेंटर तीनों के लिए बना सकते हैं अपन। तो मैं ग्रुप को यस करता हूँ, यहाँ पर ये अकाउंट नेम पूछेगा। तो हमारे जो खर्चे होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तुम्हारा पेट्रोल कौन से में आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है, तो हम इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ले लेंगे। आप भी सेम ऐसे प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप जल्दी सीख जाएंगे। कॉस्ट सेंटर को नहीं लेना चाहता मैं अभी यहाँ पे, तो मैंने नॉट एप्लीकेबल कर दिया है। और क्लोजिंग स्टॉक को मैंने इधर डाल दिया, 20,000 रुपये मैं ईयरली खर्च करूँगा। यदि मैं चाहता हूँ लेजर के लिए कॉस्ट सेंटर बेड बनाना तो लेजर को यस करूँगा और यहाँ पर लेजर का नाम जो मेरा पेट्रोल एक्सपेंसेस होगा मैं वो ले लूँगा, ठीक है। लिया मैंने पेट्रोल एक्सपेंसेस और मैंने इसका भी कॉल सेंटर नॉट एप्लीकेबल किया। क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपये मैंने यहाँ फिल कर दिया है, एंटर प्रेस किया। और ये कॉल सेंटर के लिए भी अपन बना सकते हैं, इसको भी यस करेंगे और हम अपने जो कॉल सेंटर हैं उन्हें अपन यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन मैंने कॉल सेंटर बनाए नहीं है इसलिए मैं इसको नो रख रहा हूँ। आप लोग बनाकर प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
कॉस्ट सेंटर कैसे बनाते हैं वो मैं पिछली वीडियो में सिखा चुका हूँ, तो आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं एंट्री पास करता हूँ, वाचर एंट्री में गया और मैंने 1 फरवरी में कैश पेट्रोल में खर्च किए मान के चलिए 3000 रुपये। फिर मैंने 1 मई में खर्च किए पेट्रोल में 2000 रुपये। फिर मैंने 1 छः में डेट सेट कर रहा हूँ मैं बार बार पे, इसमें चेंज किए पेट्रोल के 800 रुपये। और फिर मैंने 1 सात में पेट्रोल में खर्च किए 2000 रुपये। फिर मैंने 1 आठ में खर्च किया पेट्रोल में 1200 रुपये। मैंने अप्रैल से लेकर के अगस्त तक की एंट्री कर दी है। और इसे अपन अब देखेंगे तो अपन कहाँ देखते हैं सारे खर्चे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखते हैं। यहाँ जाएंगे, ये देखिए डिटेल दिखा रहा है पेट्रोल एक्सपेंसेस की। मैं इस पर एंट्री प्रेस करूँगा, यहाँ पर मेरे सारे खर्चे आ रहे हैं पेट्रोल के। कुछ एंट्रियाँ ऐसी आ रही हैं जो मैंने पहले कर चुका था वो आ रही हैं यहाँ पर, तो मैं आपको अपनी वाली एंट्री दिखाऊँगा। अब बजट को देखने के लिए हम यहाँ पर ये बजट वेरिएशन पर क्लिक करते हैं या ऑल्ट प्लस बी दबा देते हैं। जैसे ही ऑल्ट प्लस बी दबाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने जो बनाया था बजट फॉर पेट्रोल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये नीचे वाला बजट जो मैं पहले बना चुका था इसलिए यहाँ पे आ रहा है, ये मैंने आपके सामने अभी अभी बनाया है वो यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पर इस बजट को सेलेक्ट करूँगा तो देखिए यहाँ पर 3 कॉलम आएंगे। एक तो बजट फॉर पेट्रोल एक्सपेंसिस का आएगा, एक एक्चुअल का आएगा, ये एक्चुअल वाला कॉलम है, और लास्ट में आता है बजट वाला कॉलम। तो यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने जो पहला वाला कॉलम है 20000 दिखा रहा है, ये मेरा जो बजट है वो दिखा रहा है। मेरा बजट 20000 रुपये का था, इसमें यह दिखा रहा है खर्चे। मैंने पेट्रोल पर खर्च किया है 4200 रुपये अप्रैल में, मई में किया है 3000 रुपये, जून में किया है 1600 रुपये, जुलाई में किया है 3500 रुपये, अगस्त में किया है 1200 रुपये। और यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिखा रहा है कि 4200 रुपये खर्च करने के बाद, मेरे पास 4200 रुपये खर्च करने के बाद ये दिखा रहा है डेबिट 4200 रुपये बचे हैं बजट के रूप में। यहाँ पर ये बचे हैं, इतने बचे हैं, यहाँ इतने बचे हैं, यहाँ इतने बचे हैं। 1200 रुपये खर्च करने के बाद मेरे पास 13500 रुपये बचे हुए हैं, है ना। तो ये अपना है टोटल एक्सपेंसेस होने के बाद अपना बचा हुआ बजट के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। पिछले अप्रैल के महीने में मेरे पास 15800 रुपये बचे थे बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो, और मई में बचा है मेरे पास 12800 रुपये, फिर 11200 रुपये, 7700 रुपये, और अगस्त में पहुँचते मेरे पास 6500 रुपये बचे हुए हैं बजट के अकॉर्डिंग। जब मैंने 2000 रुपये खर्च करने की सोची थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास 6500 रुपये बचे हुए हैं बजट के, जिसमें से मैं 13500 रुपये खर्च कर चुका हूँ अभी तक, और मेरे पास 6500 रुपये बजट के अकॉर्डिंग बचे हुए हैं। ओके दोस्तों, समझ में आ गया ना कि यहाँ पर मैंने जो पैसे बचाए हैं ये मैं खर्च के पैसे आ रहे हैं, कि अगस्त तक मैंने पेट्रोल में 13500 रुपये खर्च कर दिए हैं, और ये बजट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेरे पास 6500 रुपये बजट के रूप में अभी बचे हुए हैं। कभी इतना बजट पूरा नहीं हुआ है, इतना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। जो मैंने बजट बनाया था कि बजट में मैं 20000 से ज़्यादा खर्च नहीं करूँगा, तो इसमें से मेरे पास 6500 रुपये बचे हुए हैं, और मैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च तक का काम मुझे इन पैसों से ही चलाना है। ओके दोस्तों, तो आई होप यू आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या या प्रॉब्लम है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और पसंद आए तो इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यदि और भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूँगा, हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहूँगा। और तब आप इस वीडियो को चलाएं, प्रैक्टिस करें इसकी, आने वाली नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। मैं आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो भेजूँगा जिसमें कुछ नया सिखाऊँगा। ओके, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।